हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, मैं रिपोर्ट ले रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल पर। खैर, क्वेश्चन पेपर इस चैनल के ऊपर नहीं दिया जाएगा, आप सभी को इंडिविजुअली दिया जाएगा। तो पेपर के बारे में बताया था, चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2 या 3 दिन हो गए हैं मैंने एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने बोला था कि पहला प्री बोर्ड लगेगा और 1 फरवरी को लगने वाला है। डेट मैंने मेंशन नहीं की है, 1 फेब। एक फरवरी को ये पेपर लिया जाएगा। मंडे है बच्चों, और पेपर जो है वो शाम को ही आपको दिया जाएगा। लगभग 6 बजे का मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे आपको दे दिया जाए, तो 6 से लेकर 8:30 बजे तक आप पेपर को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और फिर 9 बजे तक मेरे को पेपर, मतलब जो आपने काम किया है, वो 9 बजे तक मेरे को भेज देंगे। देखिए, इस पेपर के अंदर क्या आने वाला है, इसके अंदर सिलेबस जो है वो मैंने सामने लिख रखा है। चैप्टर 1 से 10 है ना, RBSE बोर्ड वालों के लिए, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए ये पेपर ले रहा हूँ, क्योंकि अदर बोर्ड के पैटर्न मेरे को अभी तक नहीं पता चला। अगर अदर बोर्ड्स के बच्चे मेरे को भेज देंगे तो उनके लिए भी मैं तैयार कर सकता हूँ। तो चैप्टर 1 से 10 है, इसमें कौन कौन सी यूनिट आपके पास में आएगी। स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंदर आपके पास में 4 चैप्टर हैं। विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव एवं विभवांतर, और फिर चौथा था संधारित्र वाला चैप्टर, धारिता वाला चैप्टर। धारा वैद्युकी में आपके पास में 2 चैप्टर हैं, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ही अपने आप में यूनिट भी है और एक पूरा चैप्टर है आपके पास में, 7वें नंबर का ये चैप्टर है। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों का गुण 8वें नंबर का चैप्टर है, ये अपने आप में एक यूनिट है। फिर 5वां जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 9वां चैप्टर है और प्रत्यावर्ती धारा 10वां चैप्टर है। तो ये 10 चैप्टर मैं, आप देखेंगे तो मैं करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाएं, आपको ये 10 के 10 चैप्टर आपको वहाँ मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियोज हैं, वीडियो क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर इन चैप्टर्स की मैंने डाल दी है, वहाँ इन्हें अच्छे से पढ़ें। अभी भी आपके पास में 15 से 20 दिन हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। हाँ, फीस की बात आ रही थी बच्चों, ये पेड है, आपको पे करना ही पड़ेगा। 50 रुपीज पर प्रीबोर्ड लूंगा, ऐसे 3 प्रीबोर्ड लेंगे, जिसके अंदर पहले वाले के अंदर 1st फिजिक्स आ जाएगी, दूसरे वाले में 2nd फिजिक्स होगी, और फिर जो 3रा प्रीबोर्ड होगा उसमें एंटायर सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, फीस कैसे पे करनी है ये बता देता हूँ। फीस आप गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं, नंबर आप सभी को पता है। जिन बच्चों को नंबर नहीं पता वो नंबर मैं बता देता हूँ, 9602301447, ये नंबर है, प्रशांत माहेश्वरी लिखा हुआ है। या फिर आप मेरे को पेटीएम भी कर सकते हैं इसी नंबर के ऊपर। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं मेरे पिताजी किसान हैं। देखिए, आप सभी जो हैं जिस फोन से आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से वो फोन कम से कम 7 से 10 हज़ार के बीच में है, ठीक है। तो कम से कम इतना अफोर्ड आप कर सकते हैं, 50 रुपीज कोई बड़ा अमाउंट नहीं है पहला। दूसरा, ये 50 रुपीज़ में पेपर का नहीं ले रहा हूँ, ये बात ध्यान रखें। पेपर तो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, आप देखेंगे 1 से लेकर 10 चैप्टर के आपको पेपर्स जो हैं वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मैंने टाइम टाइम पे बच्चों का टेस्ट लिया भी है, जिन बच्चों ने मेरे को कॉपी भेजी है उनकी कॉपी चेक करके मैंने उन्हें बताया भी कि गलतियाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन जब अब इतना बड़ा सिलेबस आ गया तो कॉपी चेक करने में भी टाइम लगता है। इस पर्टिकुलर 50 रुपीज़ के अंदर मैं इतना काम करने वाला हूँ कि जो आपने काम किया है या फिर जो आप मेरे को PDF फाइल सेंड करेंगे, PDF ही सेंड करनी है आपको 1 बाय 1, ठीक है। तो PDF फाइल जो आप सेंड करोगे उसमें आपकी जो गलतियाँ हैं, जहाँ आपने गलती की है, वो मार्किंग में आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आपकी गलत है, इसे ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप नंबर इम्प्रूव कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपकी गलती क्या है, आपके नंबर क्यों कटे और आप इसे कैसे सुधार कर सकते हैं ताकि बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाओ, ठीक है। फिर इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा और वो वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों को सेंड किया जाएगा जिन्होंने ये अमाउंट पे किया है। तो उस वीडियो में ये जो क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या था, जैसे छोटे सवाल देखो, अगर आप क्वेश्चन मार्किंग देखोगे तो आपको पता चलेगा 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क के दिए हैं मैंने, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और 1 क्वेश्चन 4 मार्क का है। तो अगर आप टोटल गिनेंगे तो 33 क्वेश्चंस हैं और टोटल 50 मार्क्स का ही पेपर है,
है ना। अब यहाँ पर ये छोटे सवाल जो मैंने बहुत बढ़ा दिए, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न देखा जा रहा है या फिर जिस तरीके के बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, तो उसमें पता चल रहा है कि छोटे क्वेश्चंस को, 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिन्हें हम बोलते हैं, बड़े जो सवाल होते हैं ना, जिसे हम खंड डैम में डालते हैं, ये जो डी जो होता है ना, ब्लॉक डी, इसके अंदर जो आते हैं वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं वो बड़े होते हैं, 4 मार्क के होते हैं, 3 मार्क के सवाल आ जाते हैं वहां पर। तो वो क्वेश्चन कम होंगे इस बार पेपर में, छोटे सवाल ज्यादा होंगे। तो मैंने उसी दृष्टिकोण से पेपर को बनाया है कि छोटे सवाल जो है वो आप पर ज्यादा पहुंच पाए। अगर आपको किसी को क्वेश्चंस देखने हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ, टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर जाएं, चैनल आप सभी को पता है टेलीग्राम का, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ आपको पेपर्स भी मिल जाएंगे, 1 से लेकर 10 तक के पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे। एक ही PDF है जिसमें बहुत सारे चैप्टर के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने प्रीवियसली लिए हैं बच्चों के, ठीक है। तो ये काम हमें करना है, तो उम्मीद करता हूँ। हाँ, ये बात और ध्यान में रखिएगा कि ये अमाउंट जो है ये इसलिए है ताकि वही बच्चा पेपर दे जिसके 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर पूरे याद हो, ठीक है, जिसने उन्हें पहले याद कर रखा है, अब वो सिर्फ रिवाइज करे ताकि वो सेल्फ एनालाइज कर पाए कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ कर दी हैं, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है जो कि चलते हुए पेपर देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, अपने पापा का पैसा बिल्कुल बर्बाद ना करें, ठीक है। आप सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया मेरे पास में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ठीक। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जैसा ये पेपर लगने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज वीडियो शाम को लेट हो जाएगा आते हुए, लेकिन मैं वीडियो को अपलोड करूंगा जरूर, ठीक है। PN संधि डायोड हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा, इसकी वर्किंग हम पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।